नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने शब्दों के प्रकार बताए थे, किस आधार पर कितने प्रकारों से कौन कौन से बांटते हैं। जल्दी से दोहरा देता हूँ, तरह तरह की गाइडों में तरह तरह के नामों से शब्दों का जो विभाजन है तो कई बार भ्रमित करता है कि उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर, तो ये शब्दों के जो विभाजन है वो कन्फ्यूज करते हैं। तो इनकी कन्फ्यूजिंग मैंने कल मिटा दी थी। जल्दी से बता देता हूँ, आप दिमाग में कहानी सी बनाएं कि हिंदी में जो लाखों शब्द आए हैं वो कैसे आए हैं। तो पहले तो बांट दो उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हो गए, इतने इतने लाखों शब्द हिंदी में कहाँ से आ गए। तो पहले तो बात है कि संस्कृत से हिंदी निकली है, तो संस्कृत के शब्द हिंदी में पड़े हैं। एक तो तत्सम जो संस्कृत से है, दूसरा उन्हीं से सुगमता के लिए नए शब्द बन गए, जैसे दुग्ध से दूध है ना, धरित्री से धरती, इस तरह के, तो वो तद्भव पड़े हैं हिंदी में। तीसरा जो क्षेत्रीय विशेष से जो शब्द हिंदी में आ गए वो देशज शब्द है, और विदेशी भाषाओं के शब्द तो हिंदी में भरे पड़े हैं। अगर हम सोचें कि विदेशी भाषाओं के सारे शब्द हटा दें तो फिर हिंदी भाषा ही टूट जाएगी, क्योंकि हिंदी ने दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके अपना विकास ही किया है, ठीक है ना। तो विदेशी शब्दों का भंडार हिंदी में बहुत है। अब ये विदेशी शब्द है ना, वो हिंदी के ही हो गए। कोई कहे ना, मुझे वो एक दो बार बच्चा पूछता है कि सर रेलगाड़ी को अंग्रेज हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैंने कहा रेलगाड़ी को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं, तो कहता है कि नहीं लोहपथगामिनी। तो यूँ करते करते हम कितने शब्दों का बना लेंगे, ठीक है। यूँ तो कहोगे बटन को क्या कहते हैं, तो वस्त्र नियंत्रक गुंडी, यूँ करने से काम थोड़ी चलेगा, है ना। तो जो विदेशी शब्द हिंदी में आ गए ना, उनको हिंदी ने आत्मसात कर लिया, अब वो हिंदी के ही हैं। हाँ, उनके खाने बना लो, ये हिंदी का तत्सम, ये हिंदी का तद्भव, ये हिंदी का देशज, ये हिंदी का विदेशी, यूँ खाने बन गए चार, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर कहाँ से आए, तो संस्कृत वाले पड़े हैं, उनसे बने वो तद्भव वो पड़े हैं, विदेशी पड़े हैं, देशज पड़े हैं, तो चार प्रकार से बांट दिया। फिर है व्युत्पत्ति, यानी विशेष प्रकार की उत्पत्ति, यानी बनावट, यानी रचना। तो रचना के आधार पर और व्युत्पत्ति, ये एक ही बात है, मैंने यूं ही भाग कर दिया यहाँ, क्योंकि गाइडों में ये दो नाम अलग अलग दिए हैं, किसी में ये किसी में ये, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यही है रचना के आधार पर, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ठीक है ना। रूढ़ वो है जो मूल शब्द हैं किसी से बने नहीं है, और यौगिक वो है जो योग से बने, या तो दो शब्दों से, या शब्द से और शब्दांशों से, ठीक है ना। जैसे सफल, तो सफलता, ये सफल तो रूढ़ हो गया और सफलता यौगिक हो गया। धर्म, धार्मिक, तो धार्मिक यौगिक हो गया, धर्म मूल शब्द है, समझ में आई बात है। जो मूल शब्द है ना उनको रूढ़ कहते हैं, जो मिलकर बनते हैं, भले ही वो उपसर्ग से मिलकर बने, भले ही प्रत्यय से, भले ही संधि से, भले ही समास से, वो यौगिक में आ जाते हैं। और एक मैंने बताया था संकर शब्द, जो दो विपरीत भाषाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। एक लिस्ट देख लीजिए, ये संकर शब्द है। यौगिक वो है जो योग से बनते हैं, या तो दो शब्दों से, या एक शब्द और एक शब्दांश से। मतलब ये है कि भले ही उपसर्ग से बने, भले ही प्रत्यय से बने, भले ही वो समास से बने, भले ही वो संधि से बने, वो यौगिक होते हैं। जैसे सफल मूल शब्द हो गया तो असफल, ठीक है ना। सफल तो सफलता, बंडे ना, ये यौगिक कहलाते हैं। विद्यालय तो विद्यालय, ठीक है। माता पिता, दाना पानी, कन्यादान, मतदाता, रसोई घर, ये यौगिक है। और अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षक और व्यंजक, जो शब्दशक्ति जब करवाएंगे तब इनके बारे में बता देंगे, वैसे कल मैंने बता दिया। फिर विकार के आधार पर विकारी और अविकारी, लिंग वचन कारक बदलने से जिनका रूप बदल जाता है वो तो हो गए विकारी, और लिंग वचन कारक का जिन पर फर्क ही नहीं पड़ता वो होते हैं अविकारी, ठीक है ना। जैसे लड़का है तो लड़के, लड़कियां, ये शब्द बंडे हैं ना, तो ये विकारी है। फिर मैं, तो मैं बहुवचन बनाओगे तो हम, हमें, मुझे, मुझको, ये रूप बदल रहा है ना, तो ये विकारी है। फिर मीठा, मीठी, तो ये रूप बदल रहा है ना, तो विकारी है। जाता, जाती, जाते, ये विकारी है, है ना। मैंने बताया था चार होते हैं विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और चारों के रूप बदलते हैं लिंग वचन कारक बदलने से। फिर अविकारी चार होते हैं, क्रिया, विशेषण, धीरे धीरे।
तो धीरे धीरे तो यूं ही रहेगा ना, भले लिंग वचन कारक बदलो, लड़की धीरे धीरे जाती है, लड़का धीरे धीरे जाता है, लड़के धीरे धीरे जाते हैं, तो लिंग वचन कारक बदलो भले, तो इन शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अविकारी चार होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।